सो भाई निकलते निकलते यार 3:50 हो चुके हैं। तो सबसे पहले भाई अपना वही रूटीन हमेशा की तरह, वैभव को पिक करेंगे सबसे पहले, फिर देन प्रवीण को, देन अपना जो नया बंदा है उसको पिक करेंगे, देन उसके बाद प्रवीण और जो दानिश है वो एक साथ मिलेंगे हम लोगों को कहीं, शायद अक्षरधाम वगैरह या कहीं पे साउथ एक्स साइड मिलेंगे, तो उनको फिर पिक करेंगे। देन उसके बाद अपन लोगों की जो जर्नी है वो शुरू होगी, और वन साइड जो आज होने वाला है वो राउंड ऑफ कुछ 250 किलोमीटर होने वाला है, होते होते आते आते पूरा वो 500-600 किलोमीटर टाइप हो जाएगा। बाकी भाई मज़ा आने वाला है बहुत सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि राइड कर रहे हैं दोबारा से, और अपने भाई ने एक बोला था यार, एक सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने बोला था कि आपकी शायद ब्राइटनेस ज़्यादा रहती है, तो एक बार पहले इसको थोड़ा कम करते हैं, देन इसके बाद इसका चेक करेंगे कि कैसे रहता है। देखो ब्राइटनेस अभी 100% है, देन इसको सेलेक्ट करते हैं एक बार। सो भाई पहला राइडर अपना मिल चुका है वैभव, तो हम लोग अभी द्वारका में मिले हैं, देन अब हम लोग को सेकेंड हमारा जो बंदा है वो मिलेगा। सो पाँचों को मिलते हैं भाई एक बार फटाफट, और मौसम भाई एक नंबर हो रखा है यार, एकदम ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि ठंड भी आ गई है, हल्के हल्के से ठंडा महसूस हो रही है, और उसके बाद हमने जैकेट पहन रखी है, उसके बाद भी हम लोगों को ठंड लग रही है। सोचो टी शर्ट वगैरह में बंदा अगर हो इस टाइम पे तो बाइक पे, तो एक्चुअल में उसे ठंड लगेगी। सो भाई अपना चौथा राइडर मिल चुका है हम लोगों को, वो आगे जा रहा है ब्लिंकर जलाता हुआ, मतलब ये वाला नहीं, वो आगे वाला, उससे भी भाई फुल फॉर्म में आया एकदम, पैनियर वैनियर लगा के। तो इस बंदे के पास भी अपना एडवेंचर ही है, यजदी एडवेंचर, इसका सिल्वर मॉडल है पहले वाला। इसने मेरे से पहले ली होगी, तो इसका 2022 वाला मॉडल होगा। ये जा रहे अपने चलान वाले बाबा इसकी साथ हमेशा कुछ ना कुछ भसड़ी रहती है, इस बार इसने जब अपनी बाइक स्टार्ट करी इसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, लास्ट टाइम सब कुछ GoPro में इशू हो गया था भाई। दिल्ली ऐसे सजा रखी है रात में, तो दिल्ली लगती ही नहीं है भाई। एक तो ये है कि 24 घंटे यहाँ अलग कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो लोग कहीं ना कहीं जा ही रहे होते हैं। और देखो क्या भाई लाइटनिंग वगैरह क्या मस्त बना रखा है, दिल्ली का रूप ही बदल दिया भाई। चल रहा है भाई का 24 घंटे लगा रहता है भाई, सोते सोते बनाता है अपनी मैं पीछे ही हूँ, मैं पीछे ही हूँ तो भाई पांच लोग मिल चुके हैं अपने पांचों, अब शुरू हो गया अपनी मस्ती भाई, क्योंकि सारे बकचोद टाइप के बंदे हैं। क्या चीज क्या लेके आए क्या? अच्छा चल मैं और तू आगे लगा लिया। चलो भाई प्रवीण अपना लीड करेगा, देन बाकी लोग अपन पीछे पीछे रहेंगे। भाई फुल मजा आने वाला है आज की ट्रिप पे, क्योंकि इस बार अपने चारों बकचोद जो दोस्त हैं अपने वो दोनों मिल गए हैं, पाजी और अपने दानिश भाई। भाई आज एयर सीट लेके आया है, आज उसके भी रेस्टिंग करने वाले हैं, एयर सीट कैसे होती है, क्योंकि हम मेरे को भी लेनी है एयर सीट, तो उसको भी देखते हैं कैसे रहता है एक बार। 4:38 हो चुके हैं भाई, और अभी हम हैं आश्रम पे। चलो भाई चलो 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 यहाँ से फटाफट निकलते हैं अब। तो चलो भाई चलो 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 फटाफट चलो, फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं भाई हम लोग, फाइनली रिवील कर देते हैं। यहाँ से कुछ 200 किलोमीटर है, सबसे पहले कहीं यहाँ के लिए रुकते हैं, चाय पानी लेते हैं, यार भूख सी लग रही है, सुबह जल्दी उठ गए 3 बजे, उसके बाद से कुछ नहीं खाया भाई, और
सर कल लेट नाइट यार पिज़्ज़ा खा लिया था और पिज़्ज़ा पेट में ऐसा धमाका मचा रखा है ना उसने अभी तक। लेट नाइट खाया था क्योंकि भाई कहीं रास्ते में फंसा हुआ है वो निकलने की कोशिश कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा है, तो उसका भी कुछ इंतज़ाम अपने को देखना पड़ेगा। जाता है यार अकेली राइड करना और टीम में राइड करना, वो देख कहाँ से निकाल रहा है। उसकी बाइक का फ़ायदा तो है ये रॉयल एनफील्ड का, छोटी सी है ना कहीं से भी घुस जाती है कहीं पे। स्टिल ना बुल्ला हुआ। ओहो दानिश भाई अपने कटिंग मास्टर हैं दानिश भाई अपने। सो भाई लोग अपनी ट्रिप के 75 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और दानिश अपना लीड कर रहा है, दानिश के पीछे मैं हूँ, बाकी तीन राइडर पीछे पता नहीं कहाँ है, अपने को नहीं पता भाई, अपन दोनों अलग है और तीन अलग हैं। अपन दोनों जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी, उन तीनों का पता नहीं भाई कहाँ जाएंगे। Yeah! भाई साहब क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, मज़ा आ गया। थोड़ी देर खड़े होकर चलाते हैं, पिछवाड़ा एकदम भीग चुका है भाई। ओहो आ गए अपने बाकी तीन राइडर। तीसरा कहाँ चला गया? आजा भाई आजा। सो भाई सूरज निकलने वाला है, जय शिव महाराज जय शिव महाराज। शिव जी जी भी भाई सुबह सुबह दिख गए हैं। भाई इधर से आएगा अपना सूरज बढ़िया। लेफ्ट में सूरज देखो क्या खतरनाक निकल रहा है यार, जबरदस्त सुबह भाई, एकदम लालम लाल हो रखा है। ये अपना अपाचे वाला जो है ना, ये दो बंदे जो आ रहे हैं भाई, ये हम लोगों के साथ ही चले जा रहे हैं, कब से कभी आगे कभी पीछे, और भाई ऐसे ड्राइविंग कर रहे हैं ना, तो बीच में घुसा जाते हैं कभी भी। तो हम लोग पांच लोग जैसे हैं तो पांच लोग लाइन में चला रहे हैं, तो ये भाई कहीं से भी कहीं भी बीच में आ जाता है एकदम से। देखो जैसे अभी आया ये, तो ये ना ही कोई पीछे देखता ना ही कोई इंडिकेटर देखता, बस भाई घुसा देता है और मतलब अलग ही तरह से चला रहा है भाई। इससे तो थोड़ा डर ही लग रहा है, और ये कम से कम हमसे जहाँ से हम लोगों ने ब्रेक लिया था वहाँ से और अब तक ये हम लोगों के साथ ही चल रहा है। क्या सुबह है भाई, क्या सुबह है, क्या सूरज निकल रहा है यार, वाह वाह वाह, एकदम लालम लाल हो रखा है भाई, एकदम लालम लाल। मतलब ऐसा सूरज देखे हुए भी अपने को बहुत टाइम हो चुका है। हम लोग सुबह राइड वगैरह पे आते हैं तभी हम लोग को ऐसा सूरज देखने को मिलता है, अदरवाइज तो क्या यार, ऑफिस जाते हैं अपना मेट्रो में बैठे हैं, ऑफिस गए ऑफिस से आए तो सूरज वगैरह देखने का टाइम ही नहीं मिलता, ना ही सनसेट देखने का मिलता है। अब तो ऐसा है कहीं रुकते हैं उसके बाद कहीं कुछ नाश्ता पानी करते हैं, यार भूख लग रही है दोबारा से। सूसू और आ गया यार, सूसू आ रहा जाना है, अब इन साले को रोकने को तैयार नहीं है पाँचों में से कि रोक ले। वो देखो पाजी अलग ही जा रहे हैं कहीं धुन में अपनी, वो भाई 120-130 भगा रहा है बुलेट को, तो बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा आराम से चलाओ। ऑलरेडी हम लोग 90 100 पे क्रूज कर रहे हैं, 100 से ऊपर तब क्या ही चलाना, मतलब 100 से ऊपर चलाना मतलब कि
रोहतक क्रूजिंग स्पीड ठीक रहती है, वो पाजी रही कहा ही जा रहा आगे। सबसे पीछे चलो ना तो गांडे देखनी पड़ती हैं, मेरे को आगे जाना है। तो जैसे कि भाई ने वादा किया था 9:30 तक पहुंचा देगा, बट अभी 9 बजे हैं, आधा घंटा और, तो बाकी शायद सिटी ट्रैफिक वगैरह कुछ रहेगा। 9:30 बजे तक भाई दिल्ली से फतेहपुर सीकरी 230 समथिंग कुछ किलोमीटर, और अब लगा के चलो हम लोग निकले थे, मैं घर से निकला था कुछ 4 बजे, तो 5-5.5 घंटे में, और बाकी बीच में रुकते रुकाते भी आए हम लोग बहुत। स्टार्ट बोला भाई, सिटी वगैरह सब कुछ अंदर ही है इसके, फतेहपुर सीकरी की जो सिटी है प्लस। ये काम तेरा है क्या? इसलिए तुझे ला के दिया सेल्फी का वीडियो, फुटेज तो दो ही नहीं फुटेज भाई, ये अभी डाल दूंगा। ये देखिए ये बंदा भाई पूरे टाइम सारा काम दूसरे को दे रहा है, क्या बोले पाजी? GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हां हां, ये बंदा भाई सारे काम GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग। नहीं उनको, ओके मैं आऊंगा तुम्हारे पास पाजी। ये देखो भाई जबरदस्त पीछे का व्यू, मेन गेट है। यहाँ देखने के लिए दो जगह हैं, फतेहपुर एंड सीकरी। ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं इस जगह को बोलते हैं फतेहपुर, सीकरी इसके बैक साइड में है, दोनों को मिला के फतेहपुर सीकरी बोला जाता है। वहाँ जंगल के अंदर जो दीवार है ना, टूटा फूटा बाउंड्री वॉल, ये इसी किले का दीवार है। ये अकबर ने 3 साइड में बनाया 10 किलोमीटर के एरिया में। 9 गेट वहाँ दिए थे, 8 गेट हम पब्लिक के लिए, 1 गेट अपने आने के लिए। जिस गेट से जो आपका गाड़ी अंदर एंट्रेंस हुआ है वो आगरा ही गेट अकबर के आने के लिए। और ये नीचे में जो डॉम है ब्लैक वाली, ये हमाम में नहाने की जगह। अकबर का कहना था कि जो भी मेरे गुरु की दरगाह पे जाए पहले यहाँ स्नान करें उसके बाद अंदर जाए। अभी ये बंद है, इसमें पानी नहीं है। और वहाँ जो बिल्डिंग है रेड और वाइट, वो राजा टोडरमल के रहने की जगह है। सो भाई ये पहुँच चुके हैं फतेहपुर सीकरी के किले के अंदर। ये इसका मेन गेट है, इतना बड़ा है। जबरदस्त सर्विस करता है। हेलो, दिख रहा और कुछ दिख नहीं। मैं क्या कह रहा, फैमिली पैक ले गया है। उसको दिखी भाई और कुछ दिख नहीं रहा एकदम भाई, स्किन टाइट जो होते हैं ना एकदम भाई, सलमान खान वाली। सलमान खान लेगिंग ऊपर पहन ऊपर हो गई भाई, लेगिंग देखने के लिए रात में आना पड़ेगा भाई। रात ये रहा भाई, ये रहा रात रात पहन देख लो, देखो कौन टी शर्ट पहनेगा। मेरा मन तो कर रहा है कि साथ का, लेकिन जगह अच्छी नहीं है ना। रूम इन फतेहपुर सीकरी में भाई, ये जो गेट दिख रहे हैं ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 गेट हैं, सारे इक्वल साइज़ के हैं। बट भाई यहाँ खड़े होकर देखोगे ना तो ऐसा लगता है ये पहला वाला बड़ा है, उसके अगला छोटा है, फिर अगला से छोटा है, तो ऐसा कुछ इल्यूजन बना रखा है इन लोगों ने। बट ये सारे एक ही साइज़ के हैं, बहुत अच्छा बना रखा है बट ये। सो भाई ये कुछ ब्लॉग था आज का फतेहपुर सीकरी का। सो बहुत भाई अच्छी जगह है बहुत, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पर, बहुत सुकून वाली जगह है। तो हमारे साथ हमारे भाई आए हुए थे, भाई ने सब कुछ बता दिया हमें, मैं कह रहा हूँ भाई ने सब बता दिया हमें, हाँ क्या कहाँ पर क्या क्या होता है और किस किस जगह पे क्या क्या पूजा वगैरह से, हमारे हिंदी पूजा बोलते हैं हमारे, तो पूजा वगैरह क्या होता है, तो सब कुछ बता दिया। बहुत सुकून वाली जगह है, अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरा हर जगह पर इसमें क्या क्या है, इसका पूरी हिस्ट्री जो है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जो हम लोगों ने गाइड किया था यहाँ पर तो उसने हम लोग को पूरा बताया है कि कहाँ पे क्या होता है, किस किस जगह से क्या क्या हिस्ट्री रही है, अकबर से लेके और उसके बाकी उसके बच्चों से लेके पोतों से लेके, क्योंकि उससे रिलेशन में ही सारी चीज़ें यहाँ की जितने भी हैं मोनूमेंट जो है सारे, तो सारे उससे रिलेशन में है। सो बहुत बढ़िया जगह है भाई। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो भाई ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, साथ साथ एडिट करने में उसमें, तो ब्लॉग को लाइक करना।
चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इसी नई ट्रिप के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।